पूरी दुनिया में खोई हुई है रागिनी अपने बदले हुए अंदाज के साथ। पहली बार जब हम इतना करो ना मुझसे प्यार के सेट पर पहुँचे तो हमने रागिनी का ये बदला हुआ अंदाज देखा। लेकिन जैसे ही हमने उनसे बातें की तो पता चला कि ये सारा तो ड्रीम सीक्वेंस है, वो भी उनका नहीं किसी और का। ये एक ड्रीम सीक्वेंस के लिए है। सीरियल में मैं आपको ऐसे ज्यादातर देखने को नहीं मिलूंगी, तो ड्रीम सीक्वेंस है और कोई सपना देख रहा है तो वहाँ पे हम लोग ये लिबर्टी ले लेते हैं। एक तरफ रागिनी यहाँ दूसरों के सपनों में खोई हुई है तो वहीं डॉक्टर नील है जो इन सारी बातों से बेखबर होकर फिलहाल अपनी बहन के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। अरे मिस्टर नील, अपना ध्यान अपनी बहन से हटाकर जरा अपनी एक्स बीवी पर लेकर आइए, देखिए किस तरह वो दूसरों के सपनों में कदम थिरका रही है। वो देखिए अभी किसी के सपनों में नाच रही है, तो अभी डॉक्टर नील को तो कुछ भी नहीं पता क्योंकि 15 साल पहले ही डिवोर्स हो गया था, विवाह विच्छेद हो गया था, 15 साल से संपर्क में नहीं है और कुछ नहीं पता कि वहाँ क्या चल रहा है। तो अभी डॉक्टर नील जाएंगे, ना चाहते हुए भी हिंदुस्तान जाएंगे तो पता लगाएंगे कि कौन किसके लिए नाच रहा है। डॉक्टर नील, आप जल्दी से इंडिया चले जाइए क्योंकि आपकी प्यारी बहना बेसब्री से इंतजार कर रही है कि वो कब अपनी भाभी से मिलेंगी और साजिश रचेंगी। भाभी से मिलेंगे तब देखा जाएगा, आप लेंसेस लगाइए ना। चलिए अब आपको उनसे मिलाते हैं जिनकी वजह से नील और रागिनी तलाक होने के बाद भी एक साथ हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इन बच्चों की जिसमें हमें छोटे जग्या भी नजर आए। आई एम प्लेइंग रणबीर खन्ना और ये फैमिली दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक US की फैमिली और इंडिया की फैमिली। और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ मेरे चारों जो मेरी धरोहर है वो यहाँ पे है। ये दो जो है वो इंडिया से हैं और वो दो जो है वो US से हैं। ये मेरा छोटा भाई है और वो हमारे साथ रहते हैं। हम माँ बाप के प्यार से बेखबर ये बच्चे अब बस ये उम्मीद कर रहे हैं कि कब उन्हें अपने माँ बाप का प्यार मिलेगा। मेरे को डैड का प्यार चाहिए, मेरे को माँ बहुत हो गई यार, अब डैड चाहिए। बहुत माँ के साथ रह लिया तो बस अब डैड के साथ, देखो डैड आएंगे क्या होता है क्या नहीं होता वो तो अभी अब बता भी नहीं सकते हम लोग, कि क्योंकि हमको खुद को नहीं पता अभी क्या होने वाला है। और अचानक माँ से मिलेंगे तो उनका प्यार काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि ये लोग माँ के साथ रहे, उनको अचानक से डैड का प्यार और डैड के पैसे कितने कूल लगेंगे। सबसे बड़ी बात तो हमारी आपस में बॉन्डिंग जो होगी वो देखने वाली होगी। एक एक माँ बाप का उन्हें प्यार नहीं मिल रहा है वो तो हमारे साथ कॉमन है, बट हमें जस्ट लाइक हमें माँ का प्यार मिल रहा है बट हम डैड के प्यार के लिए तरसते हैं। बेसिकली वही चाहिए हमको, yeah. हमको हमको पैसा चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, पैसा चाहिए एंड यस माँ को प्यार, हमने प्यार नहीं किया, हमको पैसा चाहिए अब। रागिनी और नील की मुलाकात भी हम आप सबको जल्द दिखाएंगे। आरती गुप्ता के साथ ABP News रिपोर्ट।